दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। सो गाइस, दोपहर का टाइम हो गया है और मैं आज खाने में बना रही हूँ अरुई के पत्ते का सब्जी। जैसे कि मैंने पकौड़ी बनाया है, आप लोग फुल रेसिपी मेरे पति देव के चैनल पे आएगा, उसका नाम है पतौरा। तो मैंने इधर सारा बना के खाली कर दिया है, ये देख सकते हैं खाली हो गया है, पूरा सारा मटेरियल खाली हो गया है। और इसमें फ्राई हुआ था तो ये भी अपना एक जगह पर है। तो मैं आपको दिखा दूँ, कुछ पत्ते बचे थे जैसे सूख गए थे ना, तो वो पत्ते मैं, पता है, परसों का लाई थी तो कुछ सामान नहीं था, मैं कल ही बनाती लेकिन कुछ सामान नहीं था तो मैं नहीं बना पाई। तो इधर देख सकते हैं कुछ पत्ते बचे हुए, जैसे उसमें कुछ सूखे थे, कुछ ख़राब हो चुके थे, परसों का ही लाए थे। और वैसे भी जल्दी यहाँ पर ये अरुई का पत्ते वगैरह जल्दी मिलता नहीं है, तो जब मिला तो हमने सोचा चलो क्यों ना। कभी होता है ना कि यहाँ कोई चीज़ दिखता नहीं है और जब दिखे तो ये होता है हाँ ले लो बना लो, क्योंकि ये सब चीज़ें गाँव में मतलब गांव में आपको हर जगह जगह पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं ना, ईद का चांद हो जाता है। कभी मिल गया बाई चांस तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपको मिलेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं कभी। तो बाकी का सामान इधर है, अभी मैं जस्ट बना के खाली हुई हूँ इसीलिए सारा सामान अभी फैला, अभी मैं जाके हटाती हूँ। तो हमने सोचा क्यों ना आपको दिखा दें, आधा ज़्यादा तो हम लोगों ने खा लिया। ये देखिए मैंने बनाया था, कैसा था जी? टेस्टी था। और इधर मैंने देख सकते हैं ये पतौरा बना दिया है, और बाकी का जो दाल बचा था ना, मैं दाल का ये बड़ा बना दी हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपको अच्छा लगता है ना? देखो बाबू जा रहे हैं, अब बाबू भी हमारी खाती है। बाबू आप भी खाते हो ना, बता दो थोड़ा सा, थोड़ा बोल दो। चलो बाबू नहीं बोलेगी, आप बाबू को ना लेके नीचे उतरो, फटाक से बेडशीट लगा देते हैं। गाइस पूरा कपड़ा वगैरह हमने बाहर रख दिया है धोने के लिए, लेकिन मौसम ऐसा बना है कि हम धो नहीं सकते। देखो टीवी बंद कर रही है बाबू, दो ये लो रिमोट। तो मौसम, बाबू को पकड़ो, मौसम ऐसा बना है ना गाइस कि बस तुरंत बारिश होने स्टार्ट हो जाएगा। इधर देखिए धूप भी है बदरी भी है, दोनों हो रहा है, तो इसलिए कन्फ्यूजन में आ रहा है कि हम कपड़ा धोएं कि ना धोएं। जब मैं सुबह धोने जा रही थी, नहाने के टाइम पे मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़ा थोड़ा सा धो दे। बेडशीट वगैरह था बाबू का कपड़ा, बाबू के पापा का कपड़ा। तो फिर मौसम ऐसा बन गया कि जैसे लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट होगा, और बारिश हो जाएगा तो फिर कपड़ा धोने का कोई मतलब नहीं है। कपड़ा हम धो देते हैं ना जिस दिन बारिश हुआ रहता है ना, तो वो हवा में सूखता है लेकिन फिर भी स्मेल आता रहता है। तो जब से आप धूप में ना सुखाओ तब तक कपड़ा जो है ना, मतलब अच्छे से नहीं सूखता है, और महकता भी है बारिश में। अगर आप धो दिए कपड़ा, घर में सुखा दो, हवा में सुखा दो, पंखे के नीचे ना, तो वो कपड़ा महकता रहता है अजीब सा। तो इसीलिए धूप में, जब धूप रहता है तभी कपड़ा हम धोते हैं। मान लो बहुत जैसे इमरजेंसी हो गया, जैसे हम लोग को कहीं जाना है और कपड़े धो दिए हैं तो भैया सुखा देते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं धोते हैं। बारिश का मौसम बना रहता है तो जानबूझ के नहीं धोते हैं। अगर बाबू को देखिए अपने पाँव पास चिपकी रहती है, लटकी रहती है। तो बाबू पापा थोड़ा सा नीचे हो जाओ, हम थोड़ा बेडशीट लगा देते हैं। तो चलो जिन्होंने खा लिया है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं खाया है हम ढक देते हैं। तो बाबू तो खाएगी नहीं, बाबू को मैंने थोड़ा सा दिया था, थोड़ा सा टेस्ट की फिर उसके बाद रख दी। पापा खाए, हम खाए, अब उतना बचा है ना उसका हम सब्जी बना देंगे। उसका सब्जी भी मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही ईजी है उसका सब्जी बनाना। जैसे आप नॉर्मल मसाले का सब्जी बनाते हो ना, जैसे मसालेदार सब्जी, कोई भी सब्जी हो मसाले वाले, तो मसाला आप भून के पीस लीजिए पहले, फिर मसाला पीसने के बाद उसको भून लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, पानी अच्छे से उबल जाए तो उसको, मतलब ये डाल दीजिए पतोरा, इसको अरुई के पत्ती का पकौड़ा भी बोल सकते हैं, पकौड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन पतोरा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो जिनको आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिनको नहीं आता है वो भी बताइएगा हमें। और बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे, मैं तो पता है ये सब चीज़ें ना खोजती रहती हूँ बनाने के लिए। हाँ थोड़ा मेहनत है, थोड़ा इसमें टिटिम्मा होता है, जैसे इसको बोलते हैं ये पीसो फिर बनाओ, फिर पत्ते को उस पर मतलब एक 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 करके करो, तीन लेयर चार लेयर बनाना पड़ता है। तो जैसे भी मैंने बनाया है सारी चीज़ें, वो इनके ब्लॉग में आएगा देखने पर, आप सबको मिल जाएगा। और बाबू 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 क्या आज हम मम्मा के पास, आज बाबू मम्मा दोनों लोग ब्लैक ब्लैक पहने हैं। तो चलो बाबू का भी ड्रेस हम चेंज कर देते हैं। बेटा मेरा, तो बाबू आपके कपड़े में रोया छोड़ दिया है, रोया छोड़ दिया है बाबू के कपड़े में। अरे मेरे, अरे
क्या 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 ये क्या बोलती है वह? मम्मा बोलो सबको मम्मा पप 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 बोलिए। जब मम्मा बोलेंगे तो पापा बोलेंगे मम्मा। मम्मा बोलो मम्मा बोलो मम्मा। बाबू बिंदी कहाँ है? बिंदी एसी का है बाबू। एसी का है बाबू? एसी देखो एसी जानती है ऊपर है। हाँ अच्छा बाबू बिंदी कहाँ है? बिंदी कहाँ है? बिंदी जानती है, एसी जानती है, टीवी जानती है। अब इसको ना धीरे धीरे हम नोज आईज ईयर सब कुछ अब बताना स्टार्ट किए हैं। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम करके बच्चा है थोड़ा धीरे धीरे करके सब कुछ जानती है, तो वैसे थोड़ा अभी टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा 10-15 दिन और इसको धीरे धीरे करके सिखाने में। 10-15 दिन क्या, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक कुछ ना कुछ सीखने को देखने को नया नया मिलता ही रहता है। बाबू बिंदी कहाँ है? बिंदी कहाँ है? देखो बिंदी अब देख रही। बिंदी कहाँ है बाबू? बिंदी दिखा दो, बता दो सबको बिंदी कहाँ है, बता दो थोड़ा सा। बिंदी कहाँ है बता दो तो। बिंदी यहाँ देखो, यहाँ 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 बिंदी यहाँ है। यहाँ बिंदी बिंदी अब निकाले गए। तो गाइस बाबू को ना बिंदी बहुत पसंद है, निकाल के हम इनको लगा देते हैं तो खुश हो जाएगी। देखो यार नहीं निकला है, निकाल के ना मुंह में डालने लगती है तो हम लगा देते हैं। दो लगा दे दो, पता है हमको जब तक लगाएंगे नहीं तब तक परेशान करेगी। ये देखो दिखा दो थोड़ा सा फोन में, देखो ये देखो, जैसे अम्मा दादी, जैसे दादी अम्मा। आपका बर्थडे आ रहा है ना बेटू, आपका बर्थडे आ रहा है ना। तो गाइस बाबू का हमारे बर्थडे आ रहा है। लगा दो। हाँ जा रहे लगा दे। तो गाइस बाबू का हमारा बर्थडे आ रहा है और बहुत सारी हमें तैयारी भी करना है। बाबू हमारी बिंदी निकाल ली, अजय का बाल भी मेरे चढ़ गया है, बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़ा गए हैं। तो चलते हैं पहले बेडशीट लगा लेते हैं, बाकी का काम बाद में करेंगे। किचन में भी अभी थोड़ा 2-4 बर्तन है धो देते हैं, और सब्जी बनाना है। रोटी हमने बना लिया है, बस सब्जी बनाना है और खा पी के ड्यूटी चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस पूरा बेडशीट मैंने अच्छे से बेड पे लगा दिया है। अगर बाबू हमारी खेल रही है तो चलते हैं बाबू को भी थोड़ा सा पाउडर से मालिश कर देते हैं। आप लोग बोलते हैं ना लोशन से करिए, लोशन से भी करते हैं लेकिन ठंड में करते हैं, अभी गर्मी का मौसम है तो पाउडर से ही कर देते हैं। नहलाने के पहले एक बार मालिश कर देते हैं, फिर नहला के पाउडर लगा देते हैं, फिर थोड़ा शाम होता है तो शाम को एक बार फिर से पाउडर लगा देते हैं, मालिश कर देते हैं मेरा बच्चा। तो गाइस आप लोग बोलते हैं ना, किसी का कमेंट आया था, आप लोग में से किसी एक ने किया था कि आप ना बस खाना पीना दिखाती हो, झाड़ू बर्तन कभी नहीं दिखाती हो। मैं आपको झाड़ू बर्तन जब दिखाती तो आप लोग कमेंट करते थे क्या यार रोज़ वही झाड़ू बर्तन दिखाती हो, अच्छा नहीं लगता है, हम लोग भी झाड़ू बर्तन करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। तो आप ही लोग बोलते हैं डेली झाड़ू डेली पोछा डेली बर्तन मत दिखाया करो। तो हम सोचते हैं कि चलो कुछ दिन भैया झाड़ू पोछा बर्तन वाला वीडियो बंद कर देते हैं, खाना पीने का दिखाते हैं। तो गाइस बाबू का बर्थडे भी है हमारा धीरे धीरे करके नज़दीक आ रहा है, और बहुत सारे लोगों को हमने मतलब इनविटेशन दे भी दिया है। प्रोग्राम बहुत काफ़ी लंबा है और बहुत सारा काम पेंडिंग में भी है। तो पता है ग्रैंड पार्टी होगा तो भाई ग्रैंड पार्टी के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, तो बहुत सारा मतलब प्रोग्राम भी करना होता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे करते जाओ लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता है। तो हम लोगों ने अभी से स्टार्ट कर दिया है इनवाइट करना। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं बाबू के लिए, इनके वाले ब्लॉग में मैंने बताया बाबू के लिए हम लोग कुछ सोचे हैं, तो वो करेंगे। बाबू को बर्थडे में क्या गिफ्ट देने वाले हैं वो सारी चीज़ें हमें मतलब पहले से करना होगा, क्या कैसे करना है सारा इकट्ठा करना है। हम लोगों ने लिस्ट भी बना लिया है किसको किसको बुलाना है, वो सारी चीज़ पहले स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है किसको, जो 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 दूर है उनको बुला लिया मैंने, और बाकी की चीज़ें जो रहेगा भाई जो पास में उनको बाद में बुला लेंगे, जैसे एक दिन दो दिन बाद भी बुला लेंगे। कल परसों हमने जो जो दूर था उनको इनवाइट कर दिया है और जो पास है उनको भी कर दिया है।
बाकी जो और भी पास है उनको भी कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि बहुत सारा प्रोग्राम करना होता है ना, जैसे डीजे वगैरह होता है, लाइट्स वगैरह होता है, डेकोरेट वगैरह होता है, ये सब हमें थोड़ा पहले करना होता है। तो आज हमने बहुत सारा चीज़ ऐसा, मतलब बहुत सारा काम था ऐसा जो हमने दूर दूर वाला था, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, तो आज पतिदेव ने कॉल करके सारा मतलब आधा काम तो कम कर दिया है, आधा काम हमने निपटा दिया है। बाकी आधा काम तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा मतलब 100 में से 80% काम अभी बाकी है, 20% काम हो गया है हमारा। हमारे जा रहे हैं ड्यूटी, और बाबू को देखो पता है कि पापा जा रहे हैं ड्यूटी, तो फटाक से खड़ी हो गई। बाबू हम देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, पापा को पगड़ी लटक गई हो, देखो देखो यही है, अब फिर जाएगी पापा के पास। पापा जा रहे हैं बाबू ड्यूटी, देखो 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 देखो, इसको भी ले जाओ यार ड्यूटी। बाबू थोड़ी सी बड़ी हो जाओ जल्दी जल्दी, जब चलने लगोगी तो। बाबू हमारी थोड़ा सा ना गाइस, ये वाकर है ना, वाकर को पकड़ के थोड़ा बहुत चलती है, और हाथ से पकड़ के चलाते हैं तो भी चलती है। पापा के पास रहती है फिर भी चिक्की रहती है, हाँ बस सामने रहेगी तभी तक। पापा इनके जब वीडियो कॉल करेंगे ना तब नहीं आएगी, देख तब देखेगी ही नहीं कि हाँ पापा है, वीडियो कॉल पे थोड़ा सा देख ले पापा को भी। शुक्रिया कहो मम्मी को, शुक्रिया कहो पापा को, शुक्रिया कहो बाबू को, शुक्रिया कहो पट्टी करती है। तो इनका टाइम भी हो गया है जाने का ड्यूटी, खाना पीना हो गया आराम से अच्छे से, खाना पीना ये पकौड़ी हमने जो बनाया था पतोरा हम लोगों ने खा लिया, सुबह चाय नाश्ता भी हो गया था, सुबह नाश्ते में हाँ चलो जल्दी आना। सुबह नाश्ते में हम बनाए थे पास्ता, चाय और फैन वगैरह था, नमकीन था, खाया। फिर उसके बाद 2-3 बजे हम लोगों ने पतौरा खाया। कितना तेज बोल रहे हो यार, चुन्नी में परफ्यूम लगावे, चुन्नी में परफ्यूम लगा, चुन्नी में। नाच रही बाबू, डांस कर रही है मेरे बच्चे, डांस कर रही है, डांस कर रही है, डांस कर रही है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, कब हमारा टाइम बीत जाता है, चाय नाश्ता सुबह फिर खाना पीना, कब टाइम बीत जाता पता ही नहीं चलता है। चलो खाना आज हमने बस, ठीक है बाय, टेक केयर बाय, लव यू यार, लव यू टू, लव यू बाबू, लव यू पापा, लव यू पापा, भाग रही है पापा के पास। अरे मेरे बेटू देखो देखो खुद रही, अब देखो बुलाएंगे नहीं आएगी, बाबू आ जाओ बाबू, हाँ मम्मा के पास आ जाओ, आ जाओ, तो चलिए गाइस आज का वीडियो यही पे, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।